जय हिंद। बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी जैसा कि जुलाई में आने की संभावना है। विजय कुमार चौधरी जी भी पहले बोले हुए थे कि छठे चरण के समाप्त होते ही जो है पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली होगी, उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आशा है कि हाईकोर्ट का भी जो है फैसला मई में आने की संभावना है और उसके बाद कम से कम 60 से 90 डेज का समय दिया जाएगा जो जुलाई में पूरा हो जाएगा। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आने की संभावना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना आदेश जो है यह संचिका संख्या जो है इतना जो दिया हुआ है इसमें विभागीय अधिसूचना संख्या 21/57 दिनांक 24/12/2021 के द्वारा जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 6(1)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं के तहत नियोजन की कार्रवाई दिनांक 10/1/2022 से प्रारंभ होकर विभिन्न संशोधित नियमों के तिथियों के साथ दिनांक 18/2/2022 तक पूर्ण किया जाना था, लेकिन यह माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा याचिका संख्या 1987/2020 प्रीति प्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप याचिका सहित में दिनांक 9/2/2022 को आदेश पारित किया गया और इसके आधार पर यह रोक लगा दी गई थी और यह हाईकोर्ट के फैसला के बाद जो है छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की उक्त प्रक्रिया अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 11/42/1/7/2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि दिनांक 26/9/2019 निर्धारित थी, जो स्टेट 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक 26/9/2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता धारित थे उन्हें ही आवेदन देने हेतु पात्र किया गया था। साथ ही स्टेट 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड सत्र 2016-18 तक में नामांकित अनुत्तीर्ण थे तथा जिनका परीक्षा फल 26/9/2019 तक प्रकाशित हो गया था उन्हें भी नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम में अधिकांश नियोजन इकाई द्वारा नियोजन संबंधी गतिविधि लगभग पूर्ण की जा चुकी थी, लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/2022 को पारित आदेश के आलोक में नियोजन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से आदेश ज्ञापन 148/15/2022 द्वारा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई थी, जो मैं आपको 16 फरवरी के डेट में भी इस पर एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसका जिक्र किया था। तो अब यह आदेश जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/2022 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता प्रीति प्रिया एवं अन्य द्वारा नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अभ्यावेदन समर्पित किया गया और समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत चूंकि विभागीय आदेश संख्या 893 दिनांक 22/6/2021 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि जिन स्टेट प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि अधिकतम 7 वर्ष थी को जून 2012 के प्रभाव से वैलिड फॉर लाइफ किया गया है उसको आजीवन जो है वैलिडिटी दे दिया गया था। स्टेट 2011 परीक्षा के परिणाम वर्ष 2012 में आया था और उसके उपरांत तृतीय चतुर्थ एवं पंचम चरण के नियोजन की कार्रवाई भी पूर्व में की गई थी जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी गण को नियोजन का अवसर प्राप्त हुआ
और पंचम चरण के नियोजन की कार्रवाई जो है 2017 में पूर्ण की गई थी, उसके पश्चात छठे चरण के नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2019 से प्रारंभ की गई, जो 3 वर्षों से यह चल रही है। स्टेट 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन का अवसर दिया गया। विभिन्न न्यायिक आदेशों के कारण छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया में विलंब हुए, जिससे अधिकांश स्टेट 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा अगले चरण में समाप्त हो सकती है। तो उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूंकि याचिकाकर्ता बीएड की परीक्षा 2017-19 में छठे चरण के आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 26/9/2019 के पूर्व उत्तीर्ण कर ली है एवं स्टेट प्रमाण पत्र की वैधता वैलिड फॉर लाइफ किया गया है, अतः विभाग द्वारा समयक विचारोपरांत जो है स्टेट 2011 उत्तीर्ण वैसे सभी अपरक्षित अभ्यर्थियों जिन्होंने 2017-19 में बीएड की परीक्षा निर्धारित तिथि 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर ली है, उनको छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही स्टेट 2011 जिनका परीक्षा फल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने बीएड की परीक्षा दिनांक 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना का निर्णय लिया जाता है। उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त हो चुका है, जो यह 21/4/2022 को यह आदेश जो है जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो यह नियोजन भी जो ही छठा चरण का खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है सातवें चरण के लिए जो है विज्ञापन जारी करके आपको लाइब्रेरी का भी क्या होगा, वैकेंसी निकल जाएगी। तब तक हाईकोर्ट का भी आदेश जारी हो जाएगा और इसमें जो है सभी प्रक्रिया जो है वैकेंसी का लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ जो है यह सूचना जारी करनी है। शिक्षा विभाग जो है यह छठे चरण के बाद जो है यह आपको यह नियोजन के लिए आप लोग के नियोजन के लिए यह विज्ञापन जो है नोटिफिकेशन जो है जारी कर सकती है और आप लोग जो है अपने तैयारी में जुट जाइए, मन लगा के तैयारी कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं यहीं पर यह सूचना को बताते हुए इस समाप्त करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के वीडियो में। वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।